गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन हब। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विसल ब्लॉअर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस एथिक्स और कंपनी लॉ दोनों ही सब्जेक्ट में ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एज वेल एज करंट इन्वायरमेंट में किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए विसल ब्लॉअर का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्या स्टडी करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में? विसल ब्लॉअर, उसके टाइप्स, पॉलिसी, प्रोसेस एंड रीजंस। लेट्स डिस्कस। एजेंडा क्या है विसल ब्लोइंग? कंसेप्ट ऑफ विसल ब्लोअर, टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोअर पॉलिसी, विसल ब्लोअर प्रोसेस, रीजंस फॉर विसल ब्लोइंग, दैट्स इट। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हु इज अ विसल ब्लोअर एंड व्हाट इज विसल ब्लोइंग? विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी गलत काम हो रहा होता है, उस एक्टिविटी के बारे में हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, अलर्ट करना। ये किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब है कि कोई भी फ्रॉड होने से पहले ही उसके बारे में अलर्ट कर देना टू द हायर अथॉरिटीज़, सो दैट दे कैन टेक द एक्शन। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंटरेस्टेड पार्टीज का, किसी भी स्टेक होल्डर्स का कोई भी लॉस ना हो, इसलिए विसल ब्लोअर का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विसल ब्लोअर होता कौन है? वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स नॉट एवरीथिंग दैट समवन परसीव्स टू बी रॉन्ग इज अ विसल ब्लोइंग। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी को कोई चीज़ रॉन्ग लगती है वो विसल ब्लोइंग है। दैट्स राइट, विसल ब्लोइंग तब माना जाता है जब कोई भी गलत एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़े, उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट हमारा पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर पड़े। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हर एक इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर्स होते हैं। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गलत हो रहा है, उसका अल्टीमेट इंटरेस्ट जो इफेक्ट होगा वो हमारे स्टेक होल्डर्स का होगा। स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे एम्प्लॉयर हो सकते हैं, हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, हमारी जर्नल पब्लिक हो सकती है। और जो रोंग एक्टिविटी हो सकती है वो इलीगल एक्टिविटी भी हो सकती है, अनएथिकल एक्टिविटी भी हो सकती है, हार्मफुल एक्टिविटी भी हो सकती है, इसलिए उसके ऊपर विसल ब्लो करी जाती है। ठीक है, वो एक्टिविटी पास्ट में भी हुई हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में होने वाली भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंट है, एक ABC ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो अकाउंटेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, प्रीवियस ईयर्स में उसने कुछ फ्रॉड करे हैं जिसका किसी को भी नहीं पता उस ऑर्गेनाइजेशन में। अचानक से एक न्यू एम्प्लॉयर वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में उस फ्रॉड का फाइंड आउट, उस फ्रॉड के बारे में पता लग जाता है। अब उसने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हायर अथॉरिटीज़ को उस फ्रॉड के बारे में वार्न करे। अब वो फ्रॉड हो चुका हुआ है, बेशक वो हो चुका हुआ है, उससे पब्लिक इंटरेस्ट तो हार्म होता है, स्टेक होल्डर्स तो हार्म होगा। मान लो उसने जानबूझकर जो प्रॉफिट है वो लेस शो करा है, या प्रॉफिट जो है अपने अकाउंट्स में ज़्यादा शो करा है, तो पब्लिक इंटरेस्ट तो हार्म हुआ। तो इन दैट केस इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट न्यू एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कि वो उस हार्मफुल एक्टिविटी को, अनएथिकल एक्टिविटी को, या वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटी को रिपोर्ट करे टू द हायर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है हु इज़ विसल ब्लोअर। जो ये टर्म विसल ब्लोअर है, ये 19th सेंचुरी में ये टर्म है ये क्वाइन करी गई थी। रेल्फ नेडर है जो इस टर्म को क्वाइन करा था 1970s में। ये जो टर्म है विसल ब्लोअर, ये टू टर्म्स को कंबाइन करके बनी हुई है। एक है विसल, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म विसल? जो ये विसल होती है, ये एक डिवाइस होता है जो पर्सन की अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करने के लिए या किसी पर्सन को अलर्ट करने के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, जो ब्लोअर वो पर्सन होता है जो विसल को ब्लो करता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा क्रिकेट स्टेडियम में रेफरीज होते हैं, वो विसल ब्लो करके जो है पर्सन को अलर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी देख रहे हैं, अगर वो एक्टिविटी हो रही है, या वो एक्टिविटी हो चुकी है, या वो एक्टिविटी होनी है फ्यूचर में, कोई भी अगर लगता है ऑर्गेनाइजेशन में रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है, तो उसके बारे में हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना, ताकि जो वो हायर अथॉरिटीज़ हैं वो इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें।
अब जो पर्सन है किसी भी रॉन्गफुल एक्टिविटी को ऑर्गेनाइजेशन में होने से रोकता है, हायर पोजीशंस अथॉरिटी को इन्फॉर्म करता है, उसे हम विसल ब्लोअर बोलते हैं। वो पर्सन जो अपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहे मिसकंडक्ट को हम कह सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, डिस्क्लोज करता है। अगर लगता है उसको वो एक्टिविटी किसी भी लॉ के अगेंस्ट है, जिससे पब्लिक का वेलफेयर है जो वो खतरे में है, तो वो उसके अगेंस्ट जो है हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर सकता है। वो पर्सन भी विसल ब्लोअर होता है जो किसी भी करप्शन और जिससे हमारे पब्लिक को या हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म हो सकता है, जिन एक्टिविटीज से उन एक्टिविटीज के बारे में पब्लिक को या हायर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करता है, वो भी विसल ब्लोअर होता है। अब जो ये विसल ब्लोइंग है ना, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है इंटरनल विसल ब्लोइंग और एक होती है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई पर्सन जो है इंटरनली ही ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्ट करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो एक्टिविटी है ये रॉन्गफुल हो रही है। जनरली क्या होता है, कंपनीज जो है इंटरनल विसल ब्लोइंग चैनल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी गलत हो रहा है तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ एंड अदर स्टेक होल्डर्स कि वो उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इम्प्लॉयज़ हैं वो अपने लाइन मैनेजर को भी उस गलत एक्टिविटीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर सकते हैं। बट वट अबाउट द एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। जो ये एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग होती है कि अगर किसी को लगता है कि इंटरनली रिपोर्ट करने से जो रिजल्ट है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग भी कर सकते हैं। एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग का मतलब होता है कि तुम अपनी रॉन्गफुल एक्टिविटी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में चल रही गलत एक्टिविटीज के बारे में पब्लिक एक्सपोजर कर दो, मीडिया में बता दो, सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू एक्सपोज कर दो उस पर्सन को और उन एक्टिविटीज को, ठीक है। ये पब्लिक, ये ऑर्गेनाइजेशंस भी ऑप्ट कर सकती हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लॉयज़ की सुनी नहीं जा रही, विसल ब्लोअर की बात को ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो कोई, या अगर उस एक्टिव अगर पर्सन ने रिपोर्ट कर भी दिया है फिर भी उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, दैट विसल ब्लोअर कैन ऑल्सो एक्सटर्नली एक्सपोज इट। तो विसल ब्लोअर जो है उन एक्टिविटीज को एक्सटर्नली भी एक्सपोज कर सकता है। अब है विसल ब्लोअर पॉलिसी। जैसे आप ये देख रहे हो, ये क्या है, एम्प्लॉय, ये क्या काम कर रहा है, ये विसल ब्लोअर का काम कर रहा है, ठीक है। इसने क्या करा, रिपोर्ट कर दिया एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ गलत काम हो रहा था। वो काम इलीगल भी हो सकता है, वो काम अनएथिकल भी हो सकता है। इलीगल काम कौन से होते हैं, अगर मान लो किसी भी कोई भी एक्टिविटी किसी भी लॉ के अगेंस्ट होती है ना, तो वो चीज़ हमारी क्या मानी जाती है, वो चीज़ हमारी इलीगल मानी जाती है, ठीक है। अगर कोई भी एक्टिविटी लॉ के अगेंस्ट होती है तो वो हमारी क्या मानी जाती है, इलीगल मानी जाती है। अब इसने क्या कर दिया, ये विसल ब्लोअर की तरह काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है, वो इन्वेस्टिगेट करे रॉन्ग डूइंग को और उसके अगेंस्ट क्या ले, एक्शन ले। अब ये पॉलिसी का होना क्यों ज़रूरी होता है, जो ये पॉलिसी है ये क्या होती है, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फॉर ऑल द कंपनी स्टेक होल्डर, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, चाहे वो शेयर होल्डर्स। आपको पता है ना कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, स्टेक होल्डर्स वो पार्टीज होती हैं जिसका कंपनी में इंटरेस्ट होता है, कंपनी के इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं। अगर कंपनी में कुछ भी गलत होता है उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट किन पर्सन के ऊपर आता है, वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो अगर कोई भी इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, चाहे वो इंटेंशनली हो रही है चाहे वो इनइंटेंशनली हो रही है, पर उसका इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर आने वाला है, तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेक होल्डर्स टू रिपोर्ट दैट इलीगल एक्टिविटीज और अनएथिकल एक्टिविटीज टू द हायर अथॉरिटीज। एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं विसल ब्लोअर पॉलिसीज की, मेन काम ये होता है कि स्टेक होल्डर्स के अमंग इसका जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, जल्दी से जल्दी रिपोर्टिंग हो सके, रेजोल्यूशन इशू हो सके, रेजोल्यूशन ऑफ इशूज एंड फोस्टरिंग अ कल्चर ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब इसका प्रोसेस क्या है, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, कोई भी एक एक्टिविटी हुई, गलत एक्टिविटी हुई, मान लो कोई भी अकाउंट्स का हमारा जो है फ्रॉड हो गया, ठीक है, कोई भी हमारा अकाउंट्स का एफ मीन्स फ्रॉड हो चुका है। अब कोई भी एक ऑब्जर्वर है, विसल ब्लोअर है, ठीक है, उसके पास तीन ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो वो चुपचाप उस फ्रॉड को देखी जाए,
या वो उसको इंटरनल विसल ब्लोइंग करे, मतलब कंपनी में ही उसकी रिपोर्ट कर दे, या वो एक्सटर्नल पार्टी को उसके बारे में बताए, मीडिया को बताए। अगर तो वो चुप रहा तो आपको पता ही है अनसेटिस्फैक्ट्री आउटकम होगा उसका, जिसका कोई भी ही जो है फायदा नहीं होने वाला ऑर्गेनाइजेशन को, और अल्टीमेटली हार्म जो होगा वो पब्लिक को होगा। अगर देखो उसने इस एक्टिविटी को रिपोर्ट करा, ये दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कोई एक्शन नहीं लिया जा सकेगा उसके अगेंस्ट, ठीक है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करी, या एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट करा और उसके अगेंस्ट नीडेड एक्शन ले लिया। अब इस केस में जो है अगर एक्शन लिया जाएगा तो जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आउटकम आएगा, अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो अनसेटिस्फैक्ट्री आउटकम आएगा। अब रीजंस क्या है, रिस्पॉन्स टू विसल ब्लोअर अगर उसको थर्ड पार्टी को करता है एक्सपोज, या अगर उसने मीडिया में करा, कोई ना कोई उसके अगेंस्ट आ जाएगा क्योंकि वो पब्लिकली एक्सपोज हो जाएगा कि इस पर्सन ने जो है वो रिपोर्ट करा है फ्रॉड को, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट रिटेलिएशन हो जाएगी। अब वो विसल ब्लोअर है, रिटेलिएशन का क्लेम भी फाइल कर सकता है और क्लेम नहीं भी फाइल कर सकता, इट विल टोटली डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द विसल ब्लोअर। और दूसरा ये हो सकता है कि अगर वो फ्रॉड या स्कैंडल इतना बड़ा हुआ गवर्नमेंट और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, अगर वो स्कैंडल हुआ तो उस केस में विसल, अगर वो स्कैंडल, वो जो फ्रॉड है, जो वो रिपोर्टिंग है वो सच मानेगी, इन्वेस्टिगेशन करने पर जो है वो हमारा फ्रॉड करने वाला पकड़ा गया, ठीक है, रिपोर्ट करा गया, दैट मीन्स अब विसल ब्लोअर की बात सच हुई, जो उसने रिपोर्टिंग टाइम पे करी, इतना बड़ा लॉस और फ्रॉड होने से बच गया, इन दैट केस में विसल ब्लोअर को जो है वो रिवॉर्ड करा जाएगा, ठीक है। अब ये रीजंस क्या है, ये विसल ब्लोइंग होना जरूरी क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो क्यों जरूरी है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, करप्शन बहुत है, हेरेसमेंट के केसेस हैं, लॉस की बहुत वायलेशंस हो रही हैं, ह्यूमन राइट वायलेशंस बहुत ज़्यादा हैं, ब्राइबरी है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग्स हैं, अगर हम स्टॉक एक्सचेंज की बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आपने पहले ही यूज़ कर लिया मार्केट में आने से पहले, ताकि आप जो है शेयर्स के प्राइसेस को फ्लक्चुएट करके अपना मॉनेटरी बेनिफिट को कर सको, ठीक है, ये इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। अगर कोई भी डाटा कंपनी का मिसयूज़ कर लिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने, कोई भी डाटा कंपनी का आपने प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को जो है कैरी फॉरवर्ड कर दिया, सो ये सारी जो है अनएथिकल कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन जो हैं वो करते हैं, इवन कि सीईओज भी कर देते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स भी ये इलीगल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं। किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर ने बोला या सीईओ ने बोला हमें अपने कंपनी के प्रॉफिट्स इतने ज़्यादा शो नहीं करने, हमें अपने टैक्स को अवॉइड करना है, तो ये भी एक तरह की इलीगल या अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो इसी रीजंस के कारण विसल ब्लोइंग का होना जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, इस वीडियो की जो है, इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, उसके लिए आप सेकंड वीडियो देखना, अभी के लिए जस्ट इतना ही। उस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कैंडल्स हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं, इंडिया के वेल नोन विसल ब्लोअर्स के बारे में बात करेंगे, प्रॉपरली उसमें प्रोसीजर्स होगा, क्या प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉज बनाए गए हैं विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन किसी के अगेंस्ट कोई भी चीज़ को एक्सपोज करता है तो उसके अगेंस्ट भी हार्मफुल होना, रिटेलिएशन होना एक जायज़ सी बात है हमारे इंडिया में या नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लॉज बनाए गए हैं, जो कि हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।